घर वापस आ गई हूँ और हमारी जो है सरोजनी नगर की शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले मैंने ये एक कैप लिया है, ये कैप मेरे को बहुत प्यारा मिल गया है। इसमें ये कुछ धागा सा फंस रहा है तो ये हट जाएगा। मम्मा, हाँ, थैंक यू। तो अभी सबसे पहले मैं आने के बाद सबसे पहले चाय पिया है मैंने, क्योंकि बाहर जो है बहुत ठंड हो रखी है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अब एक एक चीज़ मैं जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सबसे पहला मेरा बहुत प्यारा सा कैप है इस तरीके से, और ये जो कैप मुझे मिला है वो 100 रुपीज़ का मिला है। ये विंटर स्टफ में है, ऊन का है। इस तरीके से ये मेरी नज़र एकदम से पड़ी तो और मैंने इसे परचेज कर लिया। मतलब फैंस का ये भी दिखा दो। हाँ, बाद में दिखाऊंगी। तो सेकंड, उसके बाद मैंने लिया है निशु का एक हुड इस तरीके से। तो निशु जो है इस हुड को पहनकर आया है वहाँ से, और ये हुड लिया है इस तरीके से। हुड है ये, और ये ग्रे कलर का है और बहुत अच्छा मिल गया है और बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से भी। और ये स्टफ जो है ओनली 100 रुपीज़ का मम्मा मिल गया फ्रेंड्स को है। ये दिखा दो। ये लो, तुम खा लो। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि वहाँ पे जो बहुत क्राउड होता है, या तो मैं निशु को संभाल लूँ, या तो मैं सामान खरीद लूँ, और या तो फिर मैं वीडियो बना लूँ। तो ये वाला थैला, विशाल का थैला मैं लेके गई थी घर से, और इस थैले में जितना सामान आया उतना मैंने ले लिया। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल वहाँ नीचे रख दो बेटा। और अभी मुझे बहुत सारे काम है, मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। सुबह मैं बहुत जल्दी निकल गई थी, मुझे एक छोटा सा काम था बैंक का, काम फिनिश किया मैंने, और उसके बाद सीधा मैं सरोजनी नगर निकल गई। तो छोटी छोटी चीज़ें ली है, एक मैंने अपने लिए स्वेटर लिया है। एक्चुअली मुझे दो स्वेटर पसंद आ गए थे, बट मेरे पास चेंज पैसे ख़त्म हो गए थे मेरे पास इस वजह से। तो ये इस तरीके से एक विंटर का टॉप है जो कि बहुत अच्छा स्टफ है, बहुत अच्छा स्टफ है। ये मुझे जो है मिला है ओनली 50 रुपये का, 50 रुपीज़ का मिला है ये वाला। इसके अंदर मैं फूल के ऊपर ऐसे डाल सकती हूँ, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट क्वालिटी में है, बहुत ज़्यादा। और निशु अभी खेल रहा है, उसने एक खिलौना ख़रीदा था जो कि उसकी गाड़ी अंदर चली गई है। उसके बाद फर्स्ट, देन निशु का सेकंड, और देन ये वाला थर्ड, तीसरा। और मेरे पास एक्चुअली जींस की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी मेरे पास है फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। हाँ, तो मेरे पास थोड़ी जींस की जो है शॉर्टेज हो गई थी, और मैं इन पन्नीकों को संभाल के रखूँगी। तो मैंने लिया है उसके बाद एक जींस, और ये जींस भी मैंने इस तरीके का लिया है। हाँ, मिठाई देना। तो उसके बाद मैंने ये इस तरीके से जींस लिया है, और ये 32 है और स्ट्रेचेबल है इस तरीके का। और ये नीचे से मुझे इस तरीके का ही चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लेंथ में नहीं चाहिए था, फिर वो बाद में मुझे कटवाना पड़ता तो वो इस तरीके से ऑलरेडी कटा हुआ ही है। तो अंदर जो है इसके कपड़े लगे हुए हैं। तो ये रफ में मैंने एक ये वाली जीन्स ले ली है, और लो वेस्ट में ली है मैंने 32 साइज़। अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया, मैं अभी थोड़ी देर में इसे ट्राई करके देखूंगी कि ये मुझे सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और विंटर के बहुत अमेजिंग कलेक्शन आ रखे थे। अगर मैं निशु को कोई संभालने के लिए होता तो मैं थोड़ी सी विंटर की जो शॉपिंग करती, थोड़ी सी शॉपिंग और कर लेती, लेकिन मैंने निशु की वजह से शॉपिंग नहीं करी ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी इशू हो गई, निशु की प्रॉब्लम थी। तो ये कैप जब से मैंने लगा के रखी, मुझे इतनी अच्छी लग रही है ये कैप, तो मैंने कैप को निकाला ही नहीं, और बहुत प्यारी लग रही है इस तरीके से ये कैप। तो ये इसके साथ भी ये बहुत प्रिटी लगेगा। मैं इन दोनों को आपको कैरी करके बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगेन मैंने एक अपने लिए इस तरीके का एक ये लिया है, ये बिल्कुल फ्री साइज में है, और ये जो है मुझे 250 का मिला है, और इसमें बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करी है उसने। तो मुझे इस तरीके का ही चाहिए था। एक्चुअली मेरे नाखून में फंस रहा है, ये नेट है ना तो फंस रहा है। तो ये मैंने लिया है अपने लिए, तो ये जो है मुझे 250 का मिला है, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है और ना ही ये कोई लॉट का माल है, तो इसमें ये वो उन लोग बार्गेनिंग नहीं किए। 250 तो 250, मैं 200 पे अटकी रही, बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया, मुझे कम नहीं किया। तो ये वाला जो है स्टफ जो है इस तरीके से नेट का है पूरा ये,
तो ये जो है 250 का मिला है मुझे। निशु बेटा शांत रहो। उसके बाद मैं निशु के लिए बहुत बहुत ज्यादा पजामी ढूंढ रही थी और मुझे पजामी जो है नहीं मिल रही निशु की, तो एक जाके लास्ट में मुझे इस तरीके का एक पजामी मिला है। ये या तो एकदम छोटा मिल रहा था या तो एकदम बड़ा मिल रहा था। वहाँ पे लड़कों की जो है वैरायटी बहुत कम होती है, बहुत 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 ज़्यादा कम होती है। वहाँ पे लड़कियों के तो इतने क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है और विंटर में बहुत अच्छे कलेक्शन आ रखे हैं। पहले तो वहाँ पे कॉस्मेटिक का इतना ज़्यादा वो नहीं था, अभी वहाँ पे कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा भरमार हो चुका है, कपड़ों से ज़्यादा कॉस्मेटिक का भरमार हो चुका है सरोजनी नगर में। तो ये एक निशु के पजामी लिए मैंने, और ये पजामी है 90 रुपीज़ की, ओनली 90 रुपीज़ की। सारी पन्नी को मैं इकट्ठे कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैंने लिया है निशु के लिए एक विंटर और स्वेटर। तो मुझे पहना के देखना, अभी रुको, पहले मैं दिखा दूँ उसके बाद पहना के। तो ये है इस तरीके का। ऑलरेडी मैं पिछले साल भी निशु के लिए सेम ऐसा ही लेके आई थी, ये निशु ने पहन रखा है ये ऐसा। तो ये लेकिन पतला टी शर्ट टाइप में है, टी शर्ट की तरह है, बट ये विंटर स्टॉप में है, ये देख सकते हो आप इसमें। और ये बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी में है इस तरीके का। ये बहुत प्यारा है, इसका कलर भी 3-4 कलर्स इसके अंदर है। और ये वाला जो है मुझे मिला है 100 रुपीज़ का इस तरीके से। तो मैं शॉपिंग जो है निशु की करने गई थी और मैंने अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा बहुत चीज़ें अपने लिए मैंने ली है, ठीक है। मिठाई देना, ये है निशु का, मैंने वहाँ पे निकाल दिया था तो ये मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये निशु का है। और एक स्वेटर मैंने ये वाला लिया है, मुझे वाला मिठाई देना। अगेन उसके बाद जो है मैंने कुछ मेकअप के कलेक्शन लिए हैं, और ज़्यादातर मेकअप के कलेक्शन जो है मेरे ओनली 50 रुपीज़ के हैं। और ये जो है एक लेस है, लेस ये ओनली 50 रुपीज़ का है। तो ऐसा सेम मैं पहले ही लेके आई थी, ये वाला जो है मैं यहीं से लिया था 30 रुपीज़ का, 30 रुपये का ये वाला लिया था और 30 रुपीज़ का। और ये वाला जो है मैंने 50 रुपीज़ का लिया है सरोजनी नगर से। तो ये जो है बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत प्यारी है इस तरीके से। तो ये मैं किसी फेस्टिवल के लिए यूज़ करूँगी। एक्चुअली ये वाला मुझे और लेना चाहिए था, बहुत अच्छा इसका। तो ये वाला ब्लू कलर का है, एक्चुअली मैंने दो कलर लिया था, ब्लू और ग्रीन, तो ग्रीन जो है मेरे से शायद छूट गया है। तो बहुत प्यारा है ये जो कलर ब्लू कलर है, ये कलर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी बट मुझे मिल नहीं रहा था, और मिल रहा था तो इतना महंगा मिल रहा था कि, और उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं थी फिर भी इतना महंगा मिल रहा था। और एक जो है मैंने ये वाली झुमकी ली है, इयररिंग्स, ये झुमकी भी मुझे बहुत प्यारी लगी, ये 3 लेयर्स में है। और एक्चुअली इयररिंग्स कलेक्शन मेरे पास बहुत है ऑलरेडी, फिर भी ये मुझे इतनी प्यारी लगी तो मैंने इसे ले लिया, परचेज कर लिया। ये भी ओनली 50 रुपीज़ का, 50 रुपये में और क्या चाहिए। तो ये किसी ओकेज़न पे ही यूज़ करूँगी मैं, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास नोज़ रिंग का बहुत अच्छा खासा भी कलेक्शन हो चुका है, ये देख सकते हो, छूटने के बाद तो बिल्कुल भी बहुत रगड़ना पड़ रहा है नाखून से, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है तब छूट रहा है। और एक मैंने ये ब्लैक मेटल में नोज़ रिंग लिया है इस तरीके से, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, सूरजमुखी के फॉर्म में बना, डिज़ाइन में बना हुआ है इस तरीके से, फॉर्म कह रही हूँ, तो सूरजमुखी के डिज़ाइन में बना हुआ है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ब्लैक मेटल में मेरे पास दो हो गया, एक्चुअली मुझे ये एक और लेना चाहिए था बट मेरे से मिस्टेक हो गया। और तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर लूंगी इस तरीके से। कहीं पे भी कानों में भी हम इसे कैरी कर सकते हैं, मेरे से बाय मिस्टेक हो गया तो मैं नहीं ले पाई, मुझे दो लेना चाहिए था क्योंकि इस तरीके का पैटर्न जो है इधर आसपास कम मिलता है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, इसे मैं कहीं पे भी कैरी कर सकती हूँ। तो ये वाला नोज़ रिंग जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा नोज़ रिंग एक, और
दो है ये हुड्डा ब्यूटी की जो है लिपस्टिक है, लिपस्टिक है हुड्डा ब्यूटी की। और ये जो मैं लास्ट टाइम मैंने एक कलर लिया था सेम ऐसी कलर लिया था और मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा ऐसा, तो वो जो है हुड्डा ब्यूटी का जो मैंने लिया था वो मुझे 150 का मिला था आई थिंक, या फिर 100 का मिला था मुझे ध्यान नहीं है, 100 का मिला था। ये कलर देख सकते हो बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो इस तरीके से कलर कितना खिलकर आएगा ये वाला कलर, तो बहुत प्यारा है और मैट है, मैट की वजह से बहुत, तो इस बार जो है मैं ज़्यादा फ़ायदे में थी क्योंकि मुझे 100 के दो मिल गए हैं, 100 रुपये में दो हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक मिल गई है। और क्या चाहिए, एक ये जो है ये रोज़ रोज़ कलर में है, रोज़ इसे रोज़ कलर बोलते हैं, ऐसा कलर है। तो ये दोनों ही कलर जो है बहुत प्यारे हैं, मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप के लिपस्टिक थी, तो ये जो है कलर आप देख सकते हैं ये रोज़ कलर में है। और ये जो कलर है ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, कौन सा कलर है पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत प्यारा है। और यार मेरा तो मानना है कि अगर बजट में हमारे चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है, हमारे मतलब का कलर मिल रहा है और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही है इतना अच्छे रेट में, तो और क्या चाहिए यार, कंपनी कौन इतना मैटर नहीं करता यार मेरे लिए तो, बट मुझे कलर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मुझे इतने प्यारे कलर मिले हैं। तो ये छोटा सा मेकअप की चीज़ें मैंने ली है, ये इयररिंग्स लिया है जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है इस तरीके से। तो ये जो है ये वाला मुझे लेना था, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, तो 50 रुपये में ये वाला इयररिंग्स का पेयर मिला है मुझे, तो और जो है क्या चाहिए, बहुत अच्छा है। और एक्चुअली मुझे एक ख़रीदारी और करनी थी और बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, मुझे पता नहीं था कि फेस्टिवल के बाद भी इतना क्राउड रहेगा वहाँ पे, मैंने सोचा था कि वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होगा लेकिन फिर भी वहाँ पे क्राउड था, तो इस वजह से तो मैं वापस आ गई हूँ। अभी इन चीज़ों को मैं एक जगह पर कैरी करके रखने वाली हूँ, इनके बॉक्सेस वगैरह मैं रेडी करूँगी और इनके जो है पाउचेज जो है मैं घर पर ही बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास जो है मेकअप का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है। और एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे मैं ये बता दूँ, वहाँ पे जो आई शेडो का आई पैलेट है ना, अमेजिंग, बिल्कुल गजब के आ रखे, इतने बड़े बड़े पैलेट जो है 300 रुपये के मिल रहे हैं, 300 रुपये के, और बार्गेनिंग करने पे वो 250 रुपये को देने को रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट लेने के लिए ही जाऊँगी और वो बहुत जल्दी जाऊंगी मैं, और क्योंकि वहाँ पे जो मेरा वैसे पैलेट इतने प्यारे पैलेट हैं यार, 250 रुपये में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, तो आई पैलेट लेने के लिए मैं ज़रूर जाऊंगी। और मैंने दिवाली के आसपास पता किया था, जब मैं ये वाला आई पैलेट लेने के लिए गई थी तब मैंने इतना बड़ा आई पैलेट देखा था वो, जो कि 1500 रुपये का मुझे मिल रहा था यहाँ पर, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे आई पैलेट का। और इतने प्यारे प्यारे सिमरी आई पैलेट वगैरह आ रखे हैं, अगर मैं वीडियो बना पाती तो आपको ज़रूर दिखाती, अगर वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड कम होता तो मैं पक्का वीडियो ज़रूर बनाती, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्लिप ली। और आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।